अगर हम हिस्ट्री में जाएं, मशरूम जो बनी नौ इंसान की जो अव्वलीन गज़ाएं हैं उनमें ये शामिल रही है। पुराने जमाने में जो मशरूम है ना, मशरूम को कहते थे बादशाहों की खुराक। उस वक्त उन्होंने इसको सीक्रेट रखा हुआ था क्योंकि उनको इसके हेल्थ बेनिफिट का पता था। फिर उन्होंने मिस्र मशरूम गारों में उगाते थे। इसको हम एज ए प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी बॉडी है तो ये उसके लिए उसको मुख्तलिफ तरह की जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करती है। क्योंकि हम इनके साथ इन टच नहीं होते, ये फितरी बात है कि सम टाइम हम इनसे खौफज़दा होते हैं। जब मैंने मशरूम की सर्च शुरू की मुझे ये भी नहीं पता था मशरूम क्या चीज़ है। यूनानियों के, हिंदुओं के लिटरेचर, उन सब में मशरूम का जिक्र मिलता है कि मशरूम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मशरूम अल्लाह ताला की जो गुनागुन नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं उनमें से एक ये नेचुरल बाउंड्री है जो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सब्ज़ी के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सदियों से जहां हम अगर हम फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो नस्ल दर नस्ल अमूमन आम तौर पे ये होता है कि हम उसकी फॉरेजिंग करते हैं, हम उसको उसकी हंटिंग भी करते हैं। मशरूम हंटिंग के लिए कोई लोग जाते हैं, उनके पास ना बुक्स होती है मशरूम हंटर गाइड, उसमें कलर्ड फोटोग्राफ होती है, उसमें लिखा होता है, तस्वीर बना के ना उसके टैली करते हैं, मैचिंग करते हैं उसमें जाके ना, फिर उसके हिसाब से वे कलेक्ट करते हैं, उसको मशरूम हंटर गाइड करते हैं। बाहर के मुल्कों में मशरूम हंटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लोगों के जहन में ये एक मसला है कि जो मशरूम है वो पॉइजनस भी होती है। लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि एक तो ये पॉइजनस नहीं है, सेफ़ है, और दूसरा सबसे अहम बात ये है कि इसमें 30-40% प्रोटीन है। कुछ इकसाम हैं जिनको हम साइलोसाइबन्स कहते हैं, उनमें से कुछ रिसर्च हमें बताती हैं कि इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव जो असरात हैं, दोनों तरह से ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करती हैं कुछ टाइप्स इसके। जिसको पता ना हो वैसे ना मशरूम इस्तेमाल करें। इसकी ज़्यादातर जो इकसाम हैं वो कुदरती तौर पे उगती हैं और उनमें से ज़्यादातर जो इकसाम हैं वो देखने में तो बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं लेकिन वो हकीकतन जहरीली हैं। एक्सपर्ट से पूछेंगे ये पॉसिबल है कि नहीं है तो खुद ना रिस्क करें, क्योंकि ऐसी भी पॉजिटिव मिल जाती है आदमी की, फौरन डेथ भी हो सकता है। नाम ही डेथ होना कब तो पेट खराब हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, बुखार हो जाता है, वो भी पॉजनस होती हैं जिसके वजह से देखिए एलमेंट्स हो जाती हैं, खराबियाँ आ जाती हैं, तो वही पॉजनस होती है। पाकिस्तान में मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 से ज़्यादा जो इसकी इकसाम हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वाइल्ड हैं, कुदरती तौर पे वो हमारे जंगलों में और हमारे शहरों में उगती हैं। इनमें जहरीली और खाने वाली मशरूम कौन सी है, कैसे इसमें डिस्टिंग्विश की जाए, कैसे इसको पहचाना जाए? एडवाइस भी यही है कि अगर कोई भी आपको वाइल्ड मशरूम उगी हुई नज़र आए तो जब तक आप उसके बारे में डेड श्योर ना हों कि ये वाकई में एडिबल है तो उस वक्त तक आप उसको इस्तेमाल ना करें।
एडवांस अगर आपने जाना है तो डीएनए स्टडी करके ना आइडेंटिफिकेशन हो जाती है ये खाने के काबिल है नहीं। उसके लिए डॉक्टर नियाजी साहब हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर अब्दुल नासिर साहब हैं, उसके बाद डॉक्टर दर्जाक है यूनिवर्सिटी में, ये सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का बग़ौर जायज़ा लें, पंजाब और सिंध में एक मशरूम होती है जिसको खुम्बी कहते हैं। हमारे देहातों के अंदर खुम्बी जो है वो भी पाई जाती है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो यहाँ इंडिजनस जर्म प्लाज्मा है उसके ऊपर भी तहकीक हो, और वो खुम्बी जो हमने अपने बचपन में खाई है और वो खम्बूर जो हमने अपने बचपन में खाया है उसको भी मेरे जैसा आदमी अपने घर के अंदर ग्रो कर सके। इसी तरीके से एक और मशरूम है जो सिंध में भी निकलती है, सिंध में बहुत निकलती है, डेरा गाजी खान में, कोटा में भी निकलती है, खप्पा इसको कहते हैं। खमीरी जैसे मैंने कहा बटर मशरूम के समय इसको भी पहचान लेते हैं कि वो खाते हैं। कुछ मशरूम ऐसी होती है देख के भी पहचानी जा सकती हैं, मसलन ये एक मशरूम की किस्म है एमानीटा। अगर इसके शक्ल पर देखा जाए तो मशरूम की कैप होती है, कैप के नीचे का पोर्शन गिर्द होता है जिसके नीचे स्पोर होती हैं, वो अपना मैच्योरिटी के हिसाब से अपना कलर चेंज करते हैं, फिर स्टेम होता है, फिर उसके ऊपर एक रिंग होता है जिसको एनोलस कहते हैं, सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उसको वॉल्वा कहते हैं, एक कप होता है नीचे। एमानीटा के कॉमन सिम्टम है इसके स्पोर वाइट रहते हैं, गिल्स वाइट रहते हैं, स्पोर इसका वाइट हो, एनोल्स में मौजूद हो, वॉल्वा भी मौजूद हो, ये सारी चीज़ें मौजूद हो तो वो एनिमोनीटर होती है, वो ना खाएं। मशरूम के हेल्थ बेनिफिट्स हैं ना वो सबसे बड़ी ये है कि ये आपकी बॉडी में ड्रिप की तरह एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑलमोस्ट 50% इसमें कार्बोहाइड्रेट है और 15% इसमें हेल्दी फैट है। इसको अगर हम एज अ डाइट अगर हम लें तो इससे हमारी जो न्यूट्रिशन है ये बड़ी इम्प्रूव होगी। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि 40% जो हमारे बच्चे हैं उनकी स्टंटेड ग्रोथ है, उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उनको बैलेंस डाइट ही नहीं मिली। जितनी हमारी डाइट है उसके अंदर जो 80% लोड है, 85% लोड है वो कार्बोहाइड्रेट का है। अमेरिका में तकरीबन 90% लोग रोज मशरूम यूज करते हैं। अगर हम चपाती खाएं या ब्रेड खाएं उसके साथ अगर हम दाल खाएं तो ये 90-95% कार्बोहाइड्रेट। अब इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? इसको बैलेंस करने का तरीका यह है कि आप हेल्दी फैट लें कार्बोहाइड्रेट के साथ और आप हेल्दी प्रोटीन लें। ये बैलेंस जो है मशरूम के अंदर मौजूद है। मशरूम अगर आपने खाया है तो उसका टेस्ट आपने देखा होगा, वेरी डिलीशियस। जैसे चिकन हम इस्तेमाल करते हैं ना उसमें मशरूम जो होता है एज ए डेलिकेसी भी इस्तेमाल की जाती है। आप थोड़ी सी मशरूम डालेंगे ना एक टेस्ट भी मशरूम का बदल जाता है, उसके भी डिश का बदल जाता है उसमें डालेंगे, और उसके अलावा आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मसलन आज तक मशरूम थोड़ी सी डालेंगे उसको न्यूट्रिशन वैल्यू जो उसमें आ जाएगी। इसके अंदर चूँकि प्रोटीन है तो लिहाजा वो टेस्ट भी आता है, मतलब जो गोश्त खोर है ना उसके टेस्ट बड को ये किसी हद तक सेटिस्फाई करेगी। ऑस्टर मशरूम के जो है इसको इस्तेमाल करना हो तो इसको फ्राई करके खाएं तो ऐसे लगता है जैसे कि हम ना फ्राई फिश खा रहे हैं। मन सलवा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दिए गए थे उसमें मन या सलवा एक परिंदा था और एक ये मशरूम थी, क्योंकि इतनी जल्दी ग्रोथ जो है ना दुनिया में मशरूम के अलावा कोई चीज़ नहीं होती। अगर एक दिन वो है ना एक आधे सेंटीमीटर की तो अगले दिन वो हो जाएगी 4-5 सेंटीमीटर की, फास्ट ग्रोइंग चीज़ है।
सब्जी मशरूम ये बड़ा अहम फील्ड है, सब्जी के तौर पर लोग इसको खाते हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ दो मशरूम जो हैं, बटन मशरूम और एक शिटाके मशरूम है, जो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी क्योंकि लोग इसी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे पास दो किस्म की वैरायटीज़ हैं मशरूम की, एक गर्मियों की और एक विंटर की। हिली एरियाज ही हैं जहाँ कल्टीवेशन इसकी आसानी से हम कर सकते हैं। तो सारा साल को लो टेम्परेचर चाहिए, नेचुरली दरख्तों के नीचे इसको ग्रो कर सकते हैं। लॉग है ना, लकड़ी के टुकड़े ओक ट्री के या मुख्तलिफ दरख्तों के, उनमें सुराख करके ना उसका स्पान उसमें डाल देते हैं, तकरीबन 6-7 महीने का मशरूम निकलती है। ये जो मैदानी इलाके हैं तो इनमें हम अक्टूबर से शुरू करके और मार्च तक हम इसकी जो प्रोडक्शन है, जो नेचुरल हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो प्रीवेल कर रही हैं, उसमें हम इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। मशरूम कल्टीवेशन है ये रिलेटिवली एक टेक्निकल और सेंसिटिव जॉब है, कॉमन मैन के लिए इतना आसान नहीं है इसको ग्रो करना।